सालों की मशक्कत के बाद नागौर शहर के रेलवे फाटक बीकानेर रोड पर 61 अंडरब्रिज निर्माण का पेंच उलझा गया है। शहर के भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने वैकल्पिक मार्ग की तलाश को लेकर नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव को ज्ञापन सौंपकर पटरी के समानांतर सड़क बनाने की मांग की है। इसके लिए ड्राइंग डिजाइन भी राष्ट्रीय राजमार्ग ने 2016 में तैयार की गई थी और बीकानेर रोड पर LC-61 पर प्रस्तावित RUB की GAD को तत्कालीन कलेक्टर ने 2016 में पत्र भी लिखा था। अब रेलवे विभाग ने भी अंडरब्रिज के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया। नागौर शहर के भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव को ज्ञापन सौंपकर वैकल्पिक रास्ता एवं अंडरब्रिज बनाने की मांग की गई है। अंडरब्रिज निर्माण का पेंच उलझ हुआ है। बीकानेर रोड रेलवे फाटक क्षेत्र के व्यापारियों ने अंडरब्रिज बनाने की बजाय वैकल्पिक मार्ग बनाने का सुझाव भी दिया था। अब रेलवे फाटक से गौरव पथ से FCI गोदाम होते हुए समानांतर सड़क बनाए जाने को लेकर कलेक्टर के सामने प्रस्ताव रखा गया है। कलेक्टर ने इसी बात को लेकर जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि पूरे मार्ग स्थल का निरीक्षण किया जाएगा है। अब तकनीकी दल द्वारा इस पूरे मामले को दिखवाया जाएगा। यह मार्ग फिजिबल है अथवा नहीं, यहाँ कोई परेशानी तो नहीं होगी, निजी जमीन है या नहीं, यदि है तो संबंधित व्यक्ति निजी जमीन देने को राजी है या नहीं, क्या नियमानुसार जमीन को अधिग्रहित किया जा सकता है, जांच दल की रिपोर्ट के बाद हल किया जाएगा। अभी तो देखो आंदोलन की बात नहीं है, अभी तो हमने जो नागौर की नगर की समस्या आया उससे नागौर के सभी संगठनों ने जो है कलेक्टर साहब को अवगत कराया, क्योंकि उन्होंने जो ठेकेदार ने समय ले रखा है इनसे कि हमें समय दीजिए, हम पुल को बना रहे हैं। अब वास्तव में उनको समय देना चाहिए, तत्काल उसको आदेश देना चाहिए जिससे पुलिया समय पे पूरा हो सके, ये भी हमारी शहर की मांग है। परंतु रास्ता का जो है वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। उन्हें दो चार बातें हैं, एक अभी अंडर जो निकलते पानी निकलने का जो किया, लोग निकल रहे थे हरिराम हॉस्पिटल के सामने से, उसमें ला कर रेलवे ने सिलपट डाल दिए, बजरी डाल दी ला करके ट्रक से, जिससे उसको अगर एक फुट भी यदि उसे हटा लिया जाए तो रेलवे को क्या नुकसान होता है। निकलते तो मोटरसाइकिल वाला है, ट्रक तो निकल नहीं सकता, कार निकल नहीं सकती, तो क्या खतरा मुझे बताओ, एक बात तो ये हो सकती है। दूसरा जो है जो जिनका खेत है, खेत को जमीन उनको पैसे दो, वाजिब रास्ता लेने के लिए अतिक्रमण तो हटाओ, ये प्रशासन की जिम्मेवारी। मैं नहीं कहता अतिक्रमण है, लेकिन नहीं है तो लिया तो जा सकता है। राष्ट्र हित में जो भी हो, समाज हित में जो काम करना तो होता ही है, आप देख रहे हो सब जगह इस प्रकार का होती है, जमीन लेती है गवर्नमेंट, उस कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा कहना यह है। अभी एक केवल मात्र ये पुलिये वाला है, उसमें यदि कोई ट्रक ऊपर भिड़ गए, सब ट्रक सब उधर से ही निकलना है, भिड़ गए तो चालू ही नहीं होगा, रात कौन हटाएगा उनको करने, तब तक लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, जहाँ डिलीवरी होने वाली है, एक हार्ट पेशेंट है, तुरंत उनको 5 मिनट में पहुंचना है, कैसे पहुंच पाएगा, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए प्रशासन को तुरंत तत्काल राजस्थान सरकार को लिखना चाहिए, जहाँ इनको आज्ञा लेनी चाहिए, आगे कार्रवाई करके तुरंत रास्ते की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, जो रोड ओवर ब्रिज के कारण से बंद है और इसका निर्माण धीमी गति से चल रहा है और प्रशासन इसके अंदर संवेदनशील नहीं है, जबकि यहाँ पर कम से कम 5 से 7 हजार वाहन प्रतिदिन इस गेट से निकलते हैं। प्रशासन को समझना चाहिए कि रोड और ब्रिज के कारण अगर फाटक बंद करते हो तो उससे पहले सर्विस लाइन नियमों के अनुसार तुरंत बनावे, ताकि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। अगर जनता को तकलीफ होगी तो जनता सड़कों पर आ जाएगी, ये बात प्रशासन को तुरंत समझ जाना चाहिए और रास्ता तुरंत निर्माण कराना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जो फाटक है C61 रेलवे की, इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है, ये फाटक अब बंद होने वाली है क्योंकि ये ब्रिज बन रहे हैं और गत 8-9 साल से ये और ब्रिज बन रहे हैं, लेकिन इसका कोई अभी तक कब बनेगा, कब होगा, ये फाटक बंद हो जाएगी तो कितने दिनों में खुलेगी, तो ये पूरा जो नागौर शहर का आवागमन का रास्ता बंद हो जाएगा। यहाँ से कम से कम 60-65 गाँवों का आवागमन है, कृषि मंडी है, डेयरी है और रिको है, आगे हॉस्पिटल है, बहुत सारे शिक्षा विभाग और ये थाना भी है, पुलिस थाना इधर है, तो पूरा आवागमन का रास्ता रुक जाएगा। तो हमने वैकल्पिक रास्ते के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और विभिन्न संगठनों द्वारा दिया है, नागौर शहर के करीब करीब 20 से 25 संगठन मिलकर आज यहाँ ज्ञापन दिया है। अगर कलेक्टर साहब ये रास्ता जल्दी खुलवा देते हैं ठीक, नहीं तो ये फाटक हम बंद नहीं होने देंगे और बड़ा आंदोलन। सुना कि बीकानेर फाटक कुछ चंद दिनों में बंद होने वाली है, तो इस समस्याओं को विकट समस्या मानते हुए
हमने जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री के नाम उनको एक ज्ञापन दिया है। समाज के विभिन्न सक्रिय नागरिक मिलकर के जागरूक नागरिकों ने एक तय किया है कि बीकानेर रेलवे फाटक तभी बंद होगी जब बीकानेर रेलवे फाटक का कोई न कोई वैकल्पिक मार्ग प्रशासन द्वारा दिया जाए। साथ में प्रस्तावित अंडर ब्रिज का भी निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाए, क्योंकि इस मार्ग से रेलवे पटरी के उस पार जाने वाले हजारों लगभग 15,000 नागरिक रोज जाते हैं। एक तरफ विगत 8 साल से रेलवे ओवरब्रिज के कारण जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही ये कोर्ट में खाज का काम, साथ में रेलवे फाटक बंद करना, ये कहां तक न्यायोचित है? नागौर की जनता कब तक चुप बैठेगी? यदि समय पर प्रशासन द्वारा निर्णय नहीं लिया गया तो नागौर की जनता बड़ा आंदोलन करेगी और इसके लिए जिला प्रशासन रेलवे प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमने इस संबंध में सभी स्वयंसेवी संगठन, व्यापारिक संगठन, मजदूर एसोसिएशन, मुनीम एसोसिएशन, अनेकानेक प्रकार के जागरूक संगठनों मिलकर के जिला प्रशासन से विनम्र निवेदन किया है कि वे जनता की आवाज को नागौर की आवाज समझ करके इस समस्या का तत्काल निस्तारण करें, अन्यथा बड़े आंदोलन का उनको सामना करना पड़ेगा और जिसके कारण से वो सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जय भारत, जय वंदे।